दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, क्योंकि यही आपको नोटिफाई कराएगा जब हम यूट्यूब पे आएंगे। नीलेश, बिग बॉस चाहते हैं आप अपने वीडियो की शुरुआत करें। वीडियो को छोटा बनाएं, बड़ा बनाकर ऑडियंस को बोर ना करें। उम्मीद है आप इस आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद बिग बॉस। ओके ओके बिग बॉस, ज़रूर। हेलो एवरीवन, हाय नीलेश। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बिग बॉस यहाँ पे कैसे। तो गाइस क्या है कि मेरे बहुत से जान पहचान के लोग कह रहे थे कि भाई तुम बॉलीवुड पे कुछ करते हो, तो बॉलीवुड के बहुत से जाने पहचाने लोग बिग बॉस में भी है, तो बिग बॉस पे भी कुछ करो। बिग बॉस की धूम मची हर जगह। कुछ व्यूअर्स ने मुझे मेल भी किया कि भाई बिग बॉस पे भी तो कुछ कर लो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब बिग बॉस सीज़न 11 इतना धमाल और कमाल का चल रहा है कि अब तक जितने भी बिग बॉस के सीज़न हुए हैं सबसे टॉप पे आ गया है। तो मैंने कहा कि अभी फाइनल्स भी पास आ रहा है तो चलो बिग बॉस स्पेशल रखते हैं। तो आज हम एक बिग बॉस स्पेशल वीडियो करने वाले हैं, इसलिए बिग बॉस खुद यहाँ पे आ गए। और आज ही नहीं, बिग बॉस का फिनाले आने तक कुछ ऐसे स्पेशल वीडियोस आते रहेंगे। तो आज बिग बॉस स्पेशल में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इनकम, अर्निंग, कमाई, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हर कोई हाथ पैर मारता है। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीज़न 11 के टॉप 5 हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स की। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इनकी जो हफ्ते भर में जो कमाई है ना शो पे, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इतनी कमाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे की साल भर की कमाई होती है। सच्ची विश्वास नहीं हो रहा। तो चलो काउंटडाउन देख लो, खुद ही देखो। पांचवी पोजीशन पे जो बंदा है इसने हमें बहुत एंटरटेन किया। कभी ये हमें हंसते हुए दिखाई दिए, कभी रोते हुए दिखाई दिए, कभी आर्ग्यूमेंट्स में दिखाई दिए, तो कभी किसी को धक्का देते हुए दिखाई दिए। जितनी तेज़ी से शो के बाहर गए उतनी तेज़ी से शो में वापस भी आ गए, और बहुत से हफ्ते तक टिक भी गए। सैडली अभी वो शो से बाहर हो चुके हैं, बट इन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया और अपने डांसिंग का जलवा हर सुबह गाना बजते ही आपको दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रियांक शर्मा की। तो सैलरी फॉर प्रियांक शर्मा इन द शो बिग बॉस सीजन 11 वॉज 4 to 5 lakh पर वीक। जी हाँ, 4 to 5 lakh हफ्ते का ही नहीं मिलता था। तो मैं कहूँ कि महीने में 4 हफ्ते तो होते ही हैं, और मैं 5 lakh पकड़ूँ एक हफ्ते का तो 4 हफ्ते का इतना हो गया। तो इसके हिसाब से इनकी मंथली सैलरी कितनी हो गई? कहा था ना ये जितना कमाते हैं उतने बहुत से लोगों की साल भर की इनकम होती है। फोर्थ पोजीशन पे जो बंदा है ये एक कमाल का प्लेयर है, जो ऐसी गेम खेलता है और इतना दिमाग लगाता है कि पूरे घर वालों ने इसका नाम दिया है द मास्टर माइंड ऑफ बिग बॉस। ये एक बहुत बड़े चैनल के चैनल हेड रह चुके हैं, ऊपर से ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड सास भी कई बहू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकास गुप्ता की। सो विकास गुप्ता सैलरी फॉर बिग बॉस सीजन 11 इज़ 6 lakh to 6.5 lakh पर वीक। जी हाँ, इतनी इन्हें हफ्ते की मिलती है, और ये वैसे जस्टिफाई करते भी हैं, इतने कमाल के खेलते भी हैं और एंटरटेन भी करते ही हैं। थर्ड पोजीशन पे जो बंदी है ये कमाल की प्लेयर है, और इतना अच्छा गेम खेलती है और इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि जो आपसे मनवाना चाहे वो मनवा ही लेती है। ऐसा कर करके वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन गई है कि बाहर कितनी बड़ी सुपरस्टार है इसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन शो में इतनी बड़ी स्टार बन गई है कि इनके साथ नॉमिनेशन में जो भी उतरे डर जाता है कि पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ शिल्पा शिंदे की। शी हैज़ प्लेड वेरी फाइन ड्यूरिंग द होल सीजन। इनकी सैलरी है 6 to 7 lakhs पर वीक। तो सेकेंड पोजीशन पे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें कहा जाता है बिग बॉस सीजन 11 का सबसे सुलझा हुआ मर्द, द मोस्ट काइंड, स्वीट, गाली गलौज नहीं करने वाले व्यक्ति, जो सलमान को भी बहुत पसंद है और सलमान से ज़्यादा अर्शी खान को बहुत पसंद है। अभी इस शो से वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री के वो बहुत पॉपुलर चेहरे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी इसमें भी दिखती है। वी आर टॉकिंग अबाउट हितेन तेजवानी। तो हितेन तेजवानी की सैलरी बिग बॉस सीजन 11 में थी 7 to 7.5 lakhs पर वीक। पॉपुलैरिटी, तो बिग बॉस के घर में जितना बड़ा सेलिब्रिटी जितनी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा इनकम। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे जो बंदी है वो इस बात को प्रूफ करती है। ये बहुत पॉपुलर हैं टीवी इंडस्ट्री में, दुनिया इनमें बहू ढूंढती थी पर आज ये बहू बेब बन चुकी है। लिटिल इरिटेटिंग बट फुल्ली एंटरटेनिंग हिना खान।
इन्हें मिलता है 7 to 8 lakhs पर वीक। हिना सोचती थी कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और आज हम भी मानते हैं कि है, 19 कंटेस्टेंट आए थे, सबसे ज़्यादा इन्हें मिल रहा है, तो ऑब्वियसली शी इज़ अ बिग सेलिब्रिटी। बट हिना, सलमान खान स्टिल डोंट लाइक यू, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो। कंटेस्टेंट्स की इनकम तो आपने जान ली, पर आपने सल्लू भाई कितना कमाते आपको मालूम है? जब ये शो लॉन्च हुआ था तो कहा गया था कि सलमान खान को 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं पर एपिसोड। जब सलमान खान से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये एंडमॉल के जो हेड हैं राज, उनको बोलो मुझे इतना देने के लिए, खुशी खुशी मैं करूँगा, मज़ा आएगा। तो उनकी बातों से तो ये लगा कि ये सब मजाक है, लेकिन जब एंडमॉल के हेड राज से पूछा गया अबाउट दिस, तो उनका कहना था कि अमाउंट इज़ नॉट दिस बट इट इज़ क्लोज टू दिस अमाउंट, और वैसे भी सलमान खान सस्ते में नहीं मिलता। सलमान का तो ठीक है, पर आपको पता है बिग बॉस एक सीजन से कितना कमाते हैं? बिग बॉस की जो इनकम है, निलेश, कंटेस्टेंट और सलमान तक ठीक था, बिग बॉस तक पहुंचने के लिए अभी आप छोटे हो। बिग बॉस चाहेंगे अभी आप वीडियो एंड करें और अपने नए वीडियो की तैयारी करें। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जाएगा। धन्यवाद बिग बॉस। जी बिग बॉस, ज़रूर। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और बिग बॉस रिलेटेड कुछ स्पेशल देखना चाहते हो या चैनल के लिए कुछ आइडियाज़ है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो। और बिग बॉस यहाँ पे खुद आ गए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, तो सब्सक्राइब करो। और बिग बॉस स्पेशल है तो जाते जाते यही कहूँगा, टेक केयर, गुड बाय, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर यार। गुड बाय। Bigg Boss, Bigg Boss, Bigg Boss.